बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको आज के व्लॉग में। पहला जो इम्तियाज़ मॉल का व्लॉग बनाया था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो आज दूसरी ब्रांच इनकी ओपन हुई है इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन में, तो वहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। और ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद भी साथ साथ देखिए कि क्या माशाल्लाह खूबसूरत हमारा मुल्क है। ये आप अगर इस्लामाबाद से जो बिलोंग करते हैं लोग वो भी आएँ तो 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। रवात से अगर आप लोग आएँ तो तब भी 3-4 किलोमीटर ही है, तो मेन रोड पर है। तो आ गया है इम्तियाज़ मॉल, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये इम्तियाज़ मॉल भी दूसरे इम्तियाज़ मॉल की तरह हमें कितना फ़ायदा देगा। मौसम भी आज जो है वो बहुत मज़े का है। सुबह 8 बजे इसकी ओपनिंग होती है और रात 10 बजे तक जो है ये ओपन रहता है। अब हम जो है वो अंदर जा रहे हैं, आज बच्चे दोनों बड़े तो साथ नहीं थे, तो इसलिए आराम सुकून से हम लोगों को जो है वो आज शॉपिंग करने का मौका मिला है। एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, जो जो लोग इम्तियाज़ मॉल में विज़िट करेंगे मास्क आप लोगों ने ज़रूर लेकर आने हैं साथ। अगर छोटा सा 2 माह का बच्चा भी है तो उसका भी मास्क आपने लाजमी लाना है, मास्क के बगैर एंट्री नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले जो पोर्शन यहाँ पर शुरू हुआ था वो न्यू बॉर्न बेबी का था, तो साथ साथ आप लोग देखें हर तरह की जो बेबीज़ की वैरायटी थी वो भी थी। स्कूल बच्चों के जो लंच बॉक्स हैं, बोतल है, बैग्स, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी और बहुत ज़बरदस्त रेट थे इनके। गिफ्ट आइटम भी बहुत थे। ये 150 रुपये का जो था वो एक था और बहुत ही ज़बरदस्त ये कार थी। मैंने स्पेशल इसके रेट जो है वो चेक करवाए थे तो 150 ईच थी। 12 का पैक है ये और 150, अगर आप लोगों ने सिंगल लेनी है तो आपको 150 की जो है वो एक मिल जाएगी। ये जो बच्चों की स्टेशनरी यहाँ पर थी, स्लाइम वैसे शायद बाज़ार में 120 की है, यहाँ पर मुझे 90 की मिली, तो मैंने तीनों बच्चों की स्लाइम ले ली। स्पोर्ट्स, बच्चों की स्पोर्ट्स आइटम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, बड़ों के भी हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं अपनी चीज़ें देखकर। गेम्स वगैरह भी ये आपको नज़र आ रही हैं सामने। बहुत मुश्किल हो रही है हमें वीडियो बनाने में क्योंकि अलाउ नहीं है। क्रॉकरी यहाँ की जो है आउट क्लास, देखिए आप ये 3000 समथिंग शायद ये था, ये है 3 का जो पैक है। ड्राई फ्रूट जार है ये 550 का ईच है। 1500 का ये जो ड्राई फ्रूट इसे बॉक्स कह दें, तो वुडन का ये बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त है, मज़बूत लकड़ी है इसमें इस्तेमाल हुई हुई। टिफ़िन बॉक्स, वुडन टेबल, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त थी और रीज़नेबल प्राइस में थी। और बेनिफिट हमें ये हुआ है कि हम लोग 3rd डे जो है वो आ गए थे, तो इस वजह से डिस्काउंट ऑफ़र काफ़ी लगी हुई थी चीज़ों पर। और लास्ट में हमें जो है वो गिफ्ट भी मिला है 7000 की शॉपिंग करने पर। यहाँ पर इनोवेटिव वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी। बहुत चीज़ें हमें मिली हैं। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। मैं साथ साथ आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि एक एक चीज़ दिखाई जा सके। क्रॉकरी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम भी जो इम्तियाज़ मॉल का व्लॉग हमने बनाया था उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि बहुत यूनिक किस्म के यहाँ पर डिनर सेट हैं, टी सेट हैं। ये देखिए आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। और 21000-22000 के ये आराम से मतलब मिल रहे हैं रीज़नेबल प्राइस में। चीनी के डिनर सेट ज़्यादा हैं यहाँ पर। प्लास्टिक की भी वैरायटी है लेकिन ज़्यादा जो है वो कांच के और चीनी के हैं। 150 का ईच ये कप है।
कीमिया के ये कप्स हैं और इनकी जो वो शीशा है वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर सारी प्लास्टिक आइटम्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा बनी हुई हैं, बास्केट, चेयर्स, बास्केट्स वगैरह। 600 की ये चेयर हैं छोटी, जो बच्चों की हैं। जो छोटे स्टूल्स हैं वो यहाँ पर 500 के हैं, बाय शायद मार्केट में वो 650 के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने परचेज किए थे मार्केट से। बेसमेंट में हम आ गए हैं, बेसमेंट में इनकी ग्रॉसरी है, वहाँ से तो मैंने बस दो तीन चीज़ें ही परचेज की हैं। ग्रॉसरी आइटम हमें ज़्यादा चाहिए थे, तो साथ साथ देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पर भी जो है वो सर्फ वगैरह के पड़े हुए हैं आइटम, यहाँ पर भी 20-30 रुपये सर्फ पर लेस हैं। हर चीज़ पे तकरीबन 20 से 30 रुपए जो है वो इम्तियाज़ माल डिस्काउंट दे रहा है, इसीलिए लोगों को ये इतना प्रॉफिट, मतलब लोगों को बहुत ये फ़ायदा दे रहे हैं, इसीलिए ये इतना पॉपुलर हो रहा है हमारे एरिया में। डालडा घी का, डालडा ऑयल का सॉरी, कॉटन जो बाज़ार में 1250 का है वो वहाँ से 1120 का हमें मिला है 5 पैक का। ऑयल की वैरायटी आप लोग चेक करें। अच्छा, अगर कॉटन वगैरह ना किसी को चाहिए हो तो ये सिंगल भी आप ले सकते हैं, सिंगल भी यहाँ पर जो है वो है। और लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर भी पूनम की जो है वो सारी चीज़ें हैं, दाने शाने जितनी भी हैं वो पूनम की हैं। यहाँ पर सारे मसाला जात आ गए हैं, ये आप देखिए, बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लोर, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक पोर्शन में हैं। पूनम की सारी दालें हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है पूनम की दालों का, बहुत जल्दी गल जाती हैं और साफ़ सुथरी होती हैं। सफ़ेद चना यहाँ पर हमें 100 रुपये का केजी मिला है, जो बाज़ार में शायद 160 या 150 है। मैदा 90 रुपीज़ का पर केजी है, जो वहाँ से मुझे 75 का मिला है। तो पैकिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है मैदे की। दालें बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं यहाँ की। मैं पहले CST से परचेस करती थी, लेकिन वो ज़रा गलने में भी टाइम लेती हैं और इतनी साफ़ नहीं होती जितनी के इम्तियाज़ मॉल की हैं। हम लोगों को लास्ट टाइम जो हम गए थे वो थोड़ी लेट हो गए थे, तो इस वजह से पार्किंग का थोड़ा इशू था। इस टाइम पर हम लोग 9 बजे घर से निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आराम सुकून से हमारी गाड़ी जो है वो पार्क हुई है। इस वाले जो गुलबर्ग ग्रीन में इम्तियाज़ मॉल की ब्रांच है, यहाँ पर पार्किंग बहुत नज़दीक है। जो दूसरी इम्तियाज़ मॉल था DHA2 के सामने, वहाँ की पार्किंग दूर है, तो यहाँ पर बहुत ईजी है शॉपिंग करना। सुबह के टाइम आप लोग आएं और मौके से फ़ायदा उठाएं, रश भी कम होता है। कोशिश की है कि एक एक चीज़ खुलकर आप लोगों के सामने हम लोग ला सकें, लेकिन आपको पता है वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर इजाज़त नहीं थी। 2-3 बार जाकर इजाज़त भी ली, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो बहुत मुश्किल से चोरी चोरी जो है वो हम लोगों ने वीडियो बना ली। एयर फ्रेशनर जो है वो मैं ये चेक कर रही थी, लेकिन अनवार को जो है वो हूद का ही पसंद था, तो कह रहे थे वही वाला लो, लेकिन मैंने कहा चेंज भी होना चाहिए। 230 का यहाँ से मुझे ये मिला है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इम्तियाज़ मॉल में शॉपिंग करने का, क्योंकि रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं और दुनिया जहान की हर चीज़, आप कह लें कि सुई से लेकर आपको मशीन तक, यहाँ पर हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाएगी। टाइम की भी बचत होती है और साथ साथ पैसों की भी बचत होती है। हर तरह के कंपनी के जो मसाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
इनकी अपनी भी पैकिंग है पूनम की, उसमें भी मसाले हैं शान नेशनल के, मिज़ान के, मेहरान के, जिसके भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बिल्कुल भी रश नहीं है इस टाइम पर जिस टाइम पर हम आए हैं, क्योंकि पुरसकून सा यहाँ पर माहौल है, आराम सुकून से हम शॉपिंग कर रहे हैं। सैटरडे संडे यहाँ पर जो है वो ज़्यादा रश होता है, क्योंकि वो ऑफ होता है, वीकेंड होता है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, और शायद इवनिंग में भी यहाँ पर रश हो, लेकिन मॉर्निंग में जो है वो यहाँ पर रश नहीं है। तो मैं तो बार बार साथ साथ टाइम भी चेक कर रही हूँ कि बच्चे मेरे दोनों बड़े जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। तंग भी साथ वो करते हैं, और आज स्कूल भी उनका ऑन था, तो सुबह हम आ गए। अब टाइम भी साथ साथ हम चेक कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि उनकी छुट्टी के टाइम पे हम पहुँच जाएँ। नूडल्स पे बहुत अच्छी ऑफ़र आई हुई थी, साथ एक एक बाउल था नूडल्स के साथ फ्री दे रहे थे, 2.30 के 6 थे। ये आ गए हैं जी सारे ब्रश वगैरह, कॉम्स, हर तरह की वैरायटी कॉम्स की, क्रीम्स, कलर, पाउडर। ये मीमे ने जी अपने साइज के लॉलीपॉप नजर आ के और उठा लिया है, 350 का ये ईच है, शायद इसके अंदर जो है वो 12 हो, ये तो नहीं लिखा हुआ था, हमने लिए नहीं है, बस फोटो शोटो बना ली है शोशा के लिए। ये आ गया है वेजिटेबल का सेक्शन, तो ये आलू, मैं तो आलू देख के बहुत खुश हुई थी जी, क्योंकि आलू 120 के केजी हैं, वहाँ पर 75 केजी हमें मिल रहे थे, तो मैंने तो 5 किलो गट्ठे ही ले लिए वहाँ से, क्योंकि उसी दिन रात को मैंने पता किए थे तो 120 रुपये किलो थे। साफ़ सुथरी ताज़ा सब्ज़ी आपको यहाँ पर दस्तयाब होगी, और अदरक जो 200 रुपये पाव है वहाँ पर 130 रुपये पाव है। मैं तो अदरक भी मैंने ख़रीद ली, लहसुन भी ले लिया, और कीवी अमूमन तो महंगी होती है, कम ही ख़रीदने में आती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 230 रुपये की किलो थी, तो मैंने आधा किलो ये भी ले ली, नहीं नहीं 260 की है, मैं ये भी मैंने आधा किलो ले ली। हर तरह का फ्रूट, हर तरह की सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गी, देखिए कितना आराम सुकून से जो है वो यहाँ पर पुरसकून सा माहौल है। आ गया जी मेरा फेवरेट सेक्शन जो है बेकरी के आइटम्स का। 2 पाउंड का जो केक है वो यहाँ पर है जी, 500 का। ये तो देखिए आप केक की वैरायटी ज़रा चेक करें कि क्या ही ज़बरदस्त वैरायटी है। पिज़्ज़े का भी लास्ट टाइम भी आपको मैंने इम्तियाज मॉल का बताया था कि क्या रेट्स हैं, आज भी वही रेट है। बिस्किट्स और केक रस, बाकर खानी, बन, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लो प्राइसेस में थे, तो मैंने तो लास्ट टाइम की तरह बन भी परचेज़ किए हैं। अच्छा वहाँ पर शायद 28 के 4 थे, यहाँ 32 का है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। हर चीज़ फ्रेश थी, मैंने ब्रेड वगैरह चेक की वो भी बहुत फ्रेश है। तो शवारमा लिया बच्चों के लिए। आ गया है ड्राई फ्रूट का सेक्शन, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है वो कवरेज की है। शवारमे हमें शायद बाज़ार से 110 का मिलता है, वैसे तो मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन अगर कभी ख़रीदना हो तो 110 120 का होता है, तो वहाँ पर जो है वो 60 का ईच था, तो मज़े से मैंने तो फिर तीनों बच्चों के लिए शवारमा ले लिया। अब टाइम की बहुत ज़्यादा जो है वो कमी हो रही थी, बच्चों को स्कूल से लेना था, तो इस वजह से मैं ऊपर नहीं जा सकी सेक्शन में गारमेंट्स के। तो आगे हम काउंटर पे बिल के लिए। अच्छा ना ना करते हुए ना बड़ा हमने एस्टीमेट लगाया था जी, 7-8 हज़ार की हमने जो है वो शॉपिंग करनी है, तो हमारे 10 हज़ार हो गए। आगे हम घर में, और इनोवेटिव की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है, देखते हैं कि क्या क्या है गिफ्ट में। तो ये आगे जी ज़ीरा बिस्किट्स, बहुत ज़बरदस्त, इनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने हमें दी थी 7000 की शॉपिंग करने पे, इनोवेटिव की तरफ से गिफ्ट बैग मिला हमें।
तो जब मैंने इनकी रेट चेक किए तो ये ऑलमोस्ट 650 के ये बन रहे थे, ऊपर प्राइस लिखे हुए थे। तो जी 650 की तो वैसे हमें बचत होगी, तो आलू चीनी शीनी पे कितनी ज़्यादा हमें बचत हुई। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें इम्तियाज़ मॉल का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़ोमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।